Example number 3, 12th maths RBSC, chapter number 16, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। इस थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड एग्जांपल में ये बोला है कि एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, यानी एक जो सिक्का है ना उसको 3 बार उछाला है और उसके बाद में इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी, दो बातें बताई गई है। ए के अंदर ये बोला गया कि हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी तीसरी उछाल के अंदर हेड आना चाहिए। बी का मतलब यहां पर यह है हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, यानी पहली बार और दूसरी बार जो उछाल करते हैं उसके अंदर हेड आना चाहिए। अब हमारे को इसमें क्या फाइंड करना है कि पी ए बाई बी फाइंड करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी पहले ये प्रोबेबिलिटीज मेरे को पता करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले से इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस बनेगा, कॉइन को 3 बार उछाला है तो यानी कि यहां आएगा हेड 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 टेल। इस टेल को है ना यहां जगह चेंज करते हैं, इसके यहां टेल और इधर हेड, टेल हेड और ये हेड। इसके बाद में दो टेल और एक हेड, अब इसकी हेड की जगह चेंज करते हैं और यहां पर हेड टेल टेल और ये तीनों टेल। इस तरह से ये सैंपल स्पेस इसका हमने लिख दिया। अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो जो पहला पार्ट है इसका, उसके अंदर ए का मतलब है हेड ऑन थर्ड टॉस, तो ए के होने के चांसेस, ए इवेंट के होने के चांसेस कितने होंगे, टोटल कितने हैं 8। अब ए का मतलब क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे हेड कहां आ रहा है, ये हो गया 1, इसमें आ रहा है और कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है 2, फिर ये 3, यहां भी आ रहा है 4 और कहीं नहीं आ रहा है, तो ये 4/8 यानी कि इसकी बात होगी ये 1/2, यानी ए इवेंट होने के चांसेस हो गए 1/2। इसी तरह से बी के भी निकाल लें, वैसे इसमें जरूरत तो अभी है नहीं पर निकाल लें, टोटल 8 है। अब आपके हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, पहले दोनों के ऊपर हेड होना चाहिए, यहां पर ये एक और ये फेवर के ऑप्शंस कितने हैं, ये एक, यहां पर भी दोनों हेड है, ये दो, बस फर्स्ट टू चांस है, 2 1 2 2 4 4। अब आपको निकालना पड़ेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिक्स कर दो, क्या स्टेटमेंट आएगा, हेड ऑन थर्ड टॉस और हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, यानी फर्स्ट टॉस में हेड, सेकंड टॉस में हेड और थर्ड टॉस में भी हेड, ऐसा कितने आउटकम्स है, सिर्फ एक है फेवर का और टोटल है 8। अब आपको निकालना है पी ए बाई बी, क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी बी। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला हुआ है, 1/8, यहां पर 1/8 रख दें और पी बी की वैल्यू कितनी है, 1/4, यहां पर 1/4 रख दें, तो आ जाएगा 1/8 × 4 × 1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, that's 1/4। इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया, 1/2। कॉपी करें पहले इसको। सेकंड पार्ट में ए का मतलब है हमारे यहां पर एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम दो हेड आने चाहिए, तो आप चाहो तो ना इसको लिख लो पहले, इसके सैंपल स्पेस को अलग से लिख सकते हैं, एटलीस्ट टू हेड्स, कम से कम दो हेड होने चाहिए, तो कम से कम ज्यादा की लिमिट चाहिए नहीं, तो कम से कम दो हेड में ये आ जाएगा एच एच और ई एच, कम से कम दो में ये आ जाएगा एच एच टी, ये भी आ जाएगा एच टी एच और ये भी आ जाएगा पी एच एच और कम से कम दो भी इसमें से कोई नहीं आएगा। इसी तरह से आपको बी देखो, एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा यानी अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा दो हेड चाहिए है ना, इसका एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं, बस एटमोस्ट टू हेड्स, ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं है ना, तो ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते, ये नहीं आएगा,
ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, यानी कि ये आ जाएगा एच एच टी आ जाएगा, इसमें ये एच टी और ये एच आ जाएगा, और इसमें पी एच एच आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए, कम की लिमिट तो है नहीं, तो ये हमारे पास में टी टी एच आ जाएगा, ये टी एच टी आ जाएगा, और ये हमारे पास एच टी टी आ जाएगा, और तीनों टी आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा की लिमिट है, कम की कोई लिमिट नहीं है, तो बिना हेड वाला भी इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें आ जाएगा। यानी सिर्फ इसमें देखो एटमोस्ट टू हेड, फिर सिर्फ ये तीन एच वाला है ना, तीनों हेड है वो नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। अब आपको इसमें ए इंटरसेक्शन बी का भी पता लगा लेते हैं, लिख नहीं आया पूरा सही, इसको भी लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन ढूंढो, कॉमन कौन कौन सा है। ये देखो एक तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कॉमन है, और ये वाली वैल्यू, और एक और कौन सा है टी एच एच, एक ये वाला। इन तीनों के अलावा, ये इन तीन हेड आने के अलावा दो हेड आने वाले इवेंट्स हैं, वो आउटकम्स है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में एच एच टी एच टी एच और टी एच एच। अब देखो हमें निकालना क्या है, पी ए बाई बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ई। अभी आप बताइए कि ए अपॉन बी क्यों निकाल रहे, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालिए। इसका मतलब क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ए के होने के चांसेस, जबकि बी ऑलरेडी पहले हो चुका हो, तो अपन ए अपॉन बी लिखते हैं इसको। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसके फेवर के आउटकम्स कितने हैं, वन टू और थ्री, अपॉन टोटल कितने होते हैं इसमें एट, पी बी बी में चेक करो आप टोटल कितने हैं सात, इसमें सात है ना फेवर के हैं, और टोटल हमारे पास आठ है, तो ये डेट कैंसिल, ये थ्री बाई सिक्स। थोड़ा सा इजी है, केयरफुली करें आउटकम्स लिखते समय, पूरा ध्यान रखें कि एटलीस्ट क्या है, एटमोस्ट क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर ए का मतलब है एटमोस्ट टू टेल्स, एटमोस्ट का मतलब अभी बताया था ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो टेल हो सकते हैं, तो तीन टेल वाला इसमें नहीं आएगा, ये वाला आउटकम नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। यानी कि एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो कम की कोई लिमिट नहीं है इसमें, तीनों एच हो जाएंगे, दो एच और एक टी, यहां पर यह भी आ जाएगा एच टी एच, ये भी आ जाएगा टी एच एच और टी टी एच और टी एच टी एंड एच टी टी, तीनों टी वाला आउटकम नहीं आएगा। एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल के अंदर, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो कम से कम एक टेल होना चाहिए का मतलब क्या, ज्यादा टेल हो सकते हैं, एक तो होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल नहीं है ये, इसको छोड़ के सारे आ जाएंगे। मीन्स एच एच टी एच टी एच और टी एच एच, यहां पर आ जाएगा टी टी एच और ये हो जाएगा टी एच टी और ये एच टी टी और ये तीनों टेल क्यों आ जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम वन टेल बोला है, ज्यादा भी कोई लिमिट नहीं, ज्यादा तीन भी आए उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कोई को तीन बार ही उछाला तो तीन टेल ही मैक्सिमम हो सकते हैं इसमें। अब आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, थोड़ा केयरफुली लिखेंगे इसको। देखो इसके अंदर हमारे पास ये तीन बार एच है, इसमें तीन बार कभी नहीं आएगा, और यहां पर क्या है तीन बार टेल है वो इसमें कभी नहीं आएगा दूसरे वाले। अब इसमें देखो एच एच टी, इसमें एच एच टी पड़ा है और एच टी एच इसमें दोनों में पड़ा है, और ये टी एच एच ये भी पड़ा है, और टी टी एच है, और बाकी देखो इसमें तीन चार टिक हुए ना, कौन सा, एक तो एच एस टी एच टी एच टी एच एच और टी टी एच और ये वाला टी एच टी और ये वाला, इन दोनों के अलावा बाकी सारे आउटकम्स इसमें रहेंगे।
तो अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आएगा, इन दोनों को छोड़ के लिख दो आप, एच एच टी एच टी एच टी एच एच और ये टी टी एच, ये दोनों भी आ जाएंगे टी एच टी और ये एच टी टी। मैं क्रॉस चेक कर ले इसको, ये हमारे पास एच एच टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी और ये एच टी टी। अब हमारे को उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए अपॉन बी, इसका मतलब मैंने अभी समझाया था ए के होने के चांसेस जबकि बी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अपन उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और ए अपॉन बी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी दिस इक्वल्स टू, अब इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 6 और टोटल है 8। बी बी की वैल्यू के लिए बी के अंदर काउंट करो, इसमें एक ही छोटा था 7 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल 6 बाय 7 इसका आंसर। देखो ये जो क्वेश्चंस करने होते हैं ना थोड़ा आउटकम्स केयरफुली लिखें, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर कौन कौन आएगा, बी में कौन आएगा, इंटरसेक्शन में कौन आएगा, ये बहुत केयरफुली आप लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है बनता है इसका, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़े केयरफुली क्वेश्चन पढ़ें और उसको सॉल्व करें। एक वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, जो इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो अभी का अभी पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।